Assalamualaikum guys, कैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई आज की वीडियो खास तौर पर ओप्पो लवर्स के लिए होने वाली है, लेकिन यार आप लोगों से मुझे गिला है। कल मैंने QCY T20 एयरबड के ऊपर वीडियो की है, आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी यार, कसम से दिल से बुरा लगता है। अभी जाके QCY T20 एयरबड की वीडियो देखो। इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो भाई आप लोगों ने लाजमी से चेकआउट करना है। आज मैं आप लोगों को देखूंगा कि भाई आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो भाई लाजमी से वीडियो चेकआउट कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ओप्पो A17 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ ओप्पो को लेकर नहीं बल्कि वीवो को लेकर भी आ रहे हैं, टेक्नो को भी लेकर आ रहे हैं कि भाई टेक्नो पोवा 3 कब आएगा, वीवो Y22 कब आएगा, ओप्पो A17 कब आएगा, तो भाई सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन आज की वीडियो डेडिकेटेड ओप्पो A17 पे होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो देखो इस वीडियो को एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। लाइक करके आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओप्पो की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है, और भाई आप लोग को पता है कि भाई ओप्पो का बजट क्या होता है, 30,000 35,000 30,000 35,000, तो भाई ये फोन भी आप लोगों को 30,000 से 35,000 के बजट में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। सो यहां पर 6.56 इंचेस का एक IPS पैनल दिया जाएगा, 720p की रेजोल्यूशन होने वाली है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, ना फ्रंट पर होगी ना बैक पर होगी, एंड भाई नोच डिस्प्ले के साथ 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, जिसकी मदद से आप लोग 720p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1080p का ऑप्शन होगा या फिर नहीं, जब आएगा अनबॉक्सिंग करेंगे तभी आप लोगों को बताया जाएगा। बैक डिजाइन की बात करूं तो भाई बैक डिजाइन स्मार्टफोन का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे फील हो रहा है जैसे स्मार्टफोन की बैक पर लेदर फिनिशिंग की गई है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप लोगों को ये वाला डिजाइन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैक पर दो बड़े बड़े सर्कल देखने को मिलेंगे, और उन दोनों सर्कल के अंदर आप लोगों को डुअल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन सेंसर यानी कि ऊपर वाले सर्कल के अंदर आप लोगों को मेन सेंसर दिया जाएगा जो कि 50 मेगापिक्सल का होगा, और नीचे वाले सर्कल के अंदर आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। मेन सेंसर को ही लेकर चलें, 50 मेगापिक्सल का होगा और वही वर्क करेगा। और गाइस एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा, कलरOS 12.1 देखने को मिलेगा, जो कि ओप्पो की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट UI है। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मैं ये कह सकता हूं कि भाई ओप्पो ने लूटने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस तरह भाई हुकूमतें पाकिस्तान को लूटती हैं वैसे भाई कंपनियां भी पाकिस्तान को लूट रही है, मतलब कि पाकिस्तानी आवाम को लूट रही है। तो भाई यहां पर आप लोग को MediaTek Helio G35 देखने को मिलेगा, जो कि 30 से 35 साल पुराना चिपसेट है, इतना पुराना चिपसेट यहां पर चिपका दिया गया। हालांकि भाई MediaTek Helio G85 G88 G95 G96 इस प्राइस रेंज के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ओप्पो जो है वो स्टिल घिसे पिटे चिपसेट के साथ ही लॉन्च करने वाला है स्मार्टफोन को, MediaTek Helio G35। अब ये चिपसेट चलने के अंदर भी काफी ज्यादा स्लो होने वाला है, मतलब कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड स्लो होगी, फेस अनलॉक की स्पीड स्लो होगी, आप लोग स्क्रॉलिंग करेंगे तो भाई उसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो स्लो फील होगा कि भाई ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लो है। तो भाई ये ओप्पो जो है ना वो कभी नहीं सुधरने वाला भाई इस प्राइस रेंज के अंदर, कम से कम यार G85 G88 या फिर कोई तगड़ा चिपसेट लगा देते, लेकिन नहीं भाई G35 लगाएंगे, पाकिस्तानी आवाम को चूना लगाना है बस। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 2.0 माइक्रो USB टाइप देखने को मिलेगी। जी हां गाइस, ये स्मार्टफोन 30,000 से 35,000 रुपए वाला होने वाला है, और भाई स्टिल इसके अंदर आप लोगों को माइक्रो USB देखने को मिल रही है, टाइप सी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि माइक्रो USB आप लोगों को इजीली 20,000 से नीचे मिल जाती है, और 20,000 से ऊपर काफी सारे स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जिनके अंदर आप लोगों को टाइप सी मिलती है, बल्कि सारे स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आते हैं। लेकिन ओप्पो जो है वो स्टिल जो है ना वो मैं कहता हूँ भाई 19वीं सदी में जी रहा है भाई, 2-4 साल पुरानी जो है ना वो सोच के साथ जी रहा है, तो भाई इस स्मार्टफोन के साथ भी कुछ वैसा ही सीन होने वाला है। खैर इसके अलावा 5,000 mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं, तो भाई यहाँ पर स्टिल जो है वो घपला किया जा रहा है। अब देखो यार इस स्मार्टफोन की प्राइस 30,000 से 35,000 रुपए होने वाली है, जैसे ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आएगा अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके अंदर आप लोगों को हर चीज जो है ना वो क्लियर करके बताऊंगा कि भाई ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता भी है या फिर नहीं, स्लो है या फास्ट है, जो भी है उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग बजट के अंदर ओप्पो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो भाई इस फोन को मत लेना यार, क्योंकि ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए काबिले कबूल नहीं है। लास्ट में बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो भाई कहा यह जा रहा है कि भाई इस स्मार्टफोन को इसी मंथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखो यार कोई और मसला ना हुकूमतें खड़ी कर दें कि भाई ये फिर डिले हो जाए, हो सकता है कि भाई इस मंथ लॉन्च कर दिया जाए, वरना नेक्स्ट मंथ ये 100% पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखो यार मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन हर किसी की अपनी मर्जी है कि भाई उन्होंने ये स्मार्टफोन लेना है या फिर नहीं। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।